यहाँ देखो फूल गोभी का बोली हो रहा है, तो यहाँ से मैंने खरीदा है फूल गोभी। भाई साहब अभी खरीदा है अपने टमाटर यहाँ से, ये देख सकते हो भाई, अभी अपन ने यहाँ से खरीदा है डोड़का यहाँ बोली पे। ये लो सर पैसा, ये लो यार ले लो। और अभी फाइनली दुकान लगा लिया है, ये देख सकते हो इतनी सारी सब्जियाँ, और कस्टमर भी आ गए भाई। ये आलू भाटा करेला टमाटर 50 रुपया यार, ना देखो मेरे को 500 के नोट ज्यादा मिले हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग, वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई साहब अभी मैं आ चुका हूँ सब्जी मंडी तखतपुर, ये देख सकते हो सामने भाई अपना मंडी है। चलते हैं मंडी की तरफ, देखते हैं आज मंडी पे क्या क्या सब्जी आया प्लस क्या का रेट है भाई साहब। तो भाई साहब अभी ना मार्केट तरफ से सबसे पहले मैंने खरीदा है करेली, ये देख सकते हो आप लोग क्वालिटी, इसको लिया मैंने 30 रुपये के जी, 15 केजी है भाई। अभी फिलहाल अपना ऑटो वाला भाई तो आया नहीं है, तो यही रखते हैं और फिर से चलते हैं कुछ और सब्जियां लेने भाई साहब। करेली लेने के बाद अभी मैं आया यहाँ पास भाई, यहाँ देखो फूल गोभी का बोली हो रहा है, तो यहाँ से मैंने खरीदा है फूल गोभी, देख सकते हो आप लोग क्वालिटी। ये भाई 42 रुपये, हाँ कितने रुपए में? 25 यार, ये 42 पड़ेगा यार, मान के चलो ये 42 पड़ा है। चलो अभी इसको भी रख देते भाई, जहाँ पास करेली है अपना वही। भाई साहब अभी खरीदा है अपने टमाटर यहाँ से, ये देख सकते हो भाई 450 रुपए के रेट पड़ा है टमाटर, क्वालिटी देख सकते हो। 2 ही कैरेट लिया है यार, ज्यादा महंगा था। तो अभी चलो टमाटर को भी लेके डालते है अपना गोभी और करेला के पास। तो भाई साहब टमाटर लेने के बाद अभी अपन यहाँ से खरीदा है डोड़का, ये देख सकते भाई 16 रुपए के जी पे 13.5 किलो यहाँ बोली पे। ये लो सर पैसा, ये लो यार ले लो, ज्यादा थोड़ी है। चलो भाई साहब अब डोड़का को भी लेके चलते हैं इधर, जहाँ पास अपना बाकी सामान है उधर। अभी भाई साहब जितना सामान मेरे को लेना था ले लिया है, और लेने के बाद देखो ऑटो भी डाल दिया भाई। ये देखो ये रहा, ये 6 कैरेट है अपना सब्जी, और अभी ना मेरे को एक बोरा आलू बस और लेना है। तो अभी चलते हैं आलू लेने, और आलू को ना शाम को इसी ऑटो पे डालेंगे, आलू को लेते हुए सीधा अपन घर चलेंगे भाई। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, अब आलू गोदाम पे चलते सीधा। ये सब अभी आया था अपन आलू लेने यहाँ पास, ये वाला बोरा लिया है भाई देख सकते हो। तो चलो इसका पैसा देते हैं सेठ को, 730 रुपये बोरा है 50 केजी। ये लेगा भैया 730, ज़्यादा हुई तो वापस कर देवे। हो गया भाई साहब पेमेंट, ये रहा बाइक, बाइक से लेके चलते हैं इसको। तो भाई साहब अभी बच चुके हैं शाम के 3, और अभी हो चुका है अपना वापस से मार्केट जाने का, सुबह जो सब्जी खरीदे ना उसको बेचने जाने का टाइम हो गया भाई। और सुबह ये देखो जो आलू लेके आया ना बाइक पे उसको रखा है यहाँ पास, और ये मेरा तराजू किलो बाढ़ पूरा बोरिया बिस्तर है मार्केट में सामान बेचने का। और अभी फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ अपने ऑटो वाले भाई के आने का, उन्हीं को वो ऑटो वाला भाई जो है मेरे को लेने आएगा, फिर उसी ऑटो पे अपन ये आलू को डालेंगे और ये सामान को, और चलेंगे अपन मार्केट। आज है भाई साहब ढंडन विलेज का मार्केट है, तो वहाँ जाना है, और पिछले वीक तो गया नहीं था, एक वीक बाद जा रहा हूँ। और आज ना भाई साहब मैंने 3400 रुपीज़ का टोटल वेजिटेबल्स बाय किया है, तो देखते हो भाई साहब कि अपन इतने वेजिटेबल्स को कितने रुपीज़ का सेल कर पाते हैं, प्लस आज का मार्केट कैसा रहता है। अभी तो फिलहाल मेरा वेटिंग हो रहा है अपने ऑटो वाले भाई का, देखते हैं वो कब तक आता है, कब तक यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब अभी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, और चलो देखते हैं आज मार्केट में क्या होता है भाई, कैसा सेलिंग होता है आगे। हो चुके अपन मार्केट, और ये देख सकते हो सामान को भी उतार लिया नीचे, गाड़ी हो चुका है खाली, ये रहा मेरा स्थान। हाँ भाई तो चलो यहाँ लगेगा भाई दुकान, दुकान लगाते हैं। तो भाई साहब वही बज रहे शाम के 4:30, और अभी फाइनली दुकान लगा लिया है, ये देख सकते इतने सारे सब्जियाँ, और कस्टमर भी आ गए भाई। 1 केजी इनको टमाटर देना है, ये पहले 1 केजी टमाटर देते हैं, ये लेगा कामा धर पे। और आज सब्जियां देख सकते हो भाई मेरे पास है, आलू बैंगन करेला टमाटर मिर्च धनिया, कितने 10 के धनिया देते हैं भाई। आओ मिर्चें महंगा है का? आलू 25 रुपये, टमाटर 30 रुपये, कैसे ये आलू भाटा करेला टमाटर। चले आ भाई, चले आ भाई,
आधा किलो आलू भाटा टमाटर वाले वो 50 रुपए ये आलू भाटा करेला टमाटर चले आ भाई चले आ भाई 30 के करा तू 30 मैं 15 के इधर समस्या हो गई आलू भाटा करेला आलू भाटा करेला टमाटर आ गया टमाटर 25 हाँ भाई आलू गोभी भाटा करेला वाले मान चले आ चले आ चले आ भैया आलू गोभी करेला 25 दो किलो 50 आधा किलो ज्यादा वो भी सही है वो 50 पचास से तीस चालीस पचास करेला 40 भाई हाँ चलिए अभी टमाटर टमाटर डोर का भाटा टमाटर ये लेके जा लेके जा लेके जा भाई जाता है ना करेला कैसे लगा बताबे कुछ सुना बे 40 रुपए और भाटा 40 कसूर करते थे धनिया मिर्च पूरा साफ लगाने भाई खाओ दे ये देखो गोभी का और डाल लेने गोभी 50 टमाटर क्या टमाटर 25 धनिया मिर्च है तो भाई साहब अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी भाई साहब मार्केट को हो चुका है द इंडिया ये देख सकते हो आप लोग खत्म हो चुका है भाई बाकी सब उठा रहे हैं उधर देखो सुनील भैया भी उठा रहे हैं और सब्जियों की बात करें तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा बच गया भाई सब्जी आज भी यार थोड़ा सा आलू थोड़ा सा बैंगन थोड़ा सा करेला थोड़ा ज़्यादा बचा है टमाटर यार पूरी तरीके से टमाटर बिक गया अच्छा बिका 25 रुपये किलो बिका टमाटर और डोड़का थोड़ा सा गोभी थोड़ा थोड़ा बाकी है अब चलो इनको उठाते हैं भाई सामान को उठाया जाए अपना भाई साहब अभी ना पूरा सामान उठा लिया है देख सकते हो मार्केट हो चुका है खाली और इधर हो रहा है अपना गाड़ी लोड देख सकते हो भाई लोग का भी सामान डाला जा रहा है भाई इधर देखो पूरा पैकिंग सबका तो चलो फिलहाल यहाँ सब निकलते हैं घर के लिए यार मार्केट्स पहुँच चुके घर और देखो सामान लोग कर लिया अपना थोड़ा सा करेला थोड़ा आलू और इधर बचे भाई थोड़ा सा अपना बैंगन और फूल गोभी और दोड़का ये थोड़ा थोड़ा बच गया भाई अभी देखते हैं भाई सब अपना सेलिंग तो आज ना चिल्लर नहीं मिला भाई आज ना देखो मेरे को 500-500 के नोट ज़्यादा मिले हैं 500-500 200-200 तो चलो इसको गिनते कितने रुपए है देखते हैं भाई और आज के मार्केट की बात कहना तो मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो था भाई उतना अच्छे से सेल नहीं हो रहा था फेस्टिवल्स जो है बहुत ही लोवेस्ट मार्जिन में सेल करना पड़ा तब जाके सेल हुआ बहुत ज़्यादा लोग पूरा वेजिटेबल में बात करें पूरा टमाटर ही बस अपना पूरा सेल हो पाया फिर बाकी वेजिटेबल्स में थोड़ा थोड़ा बच गया है और अभी देखते हैं अपन सेलिंग तो ये देख सकते हो अपन आज टोटल वेजिटेबल्स लेके गए थे 3400 रुपये का जिसको मैंने इतने रुपीस का सेल किया है और इसमें का 100 रुपये मैंने सुन भाई को गाड़ी का भाड़ा भी दे चुका है तो गिनते भाई ये कितना रुपीस है आप लोग के सामने गिन दे रहा हूँ 5 10 15 20 25 तो 27 29
31 32 33 34 3400 रुपए ये जितने को वेजिटेबल्स ले गए थे वो, और ये है अपना प्रॉफिट। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ये टमाटर की वजह से इतने रुपए प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि बाकी सब जो बचा है गिनते कितने रुपए ये भी 10 15 17 19 20 21 210 रुपए 210 रुपए का प्रॉफिट आज की रेट में अपने हुआ है। और अभी अपने पास भाई आलू बचा है, ढोड़का बचा है, करेला बचा है, बैगन बचा है, फूलगोभी बचा है, तो वो है अपना और प्रॉफिट। तो बचा हुआ है उसको कल सेल करूंगा, तो कल पता चले कल कितने का बेच पाते हैं अपन। और यही है यार, आज थोड़ा सा मतलब बहुत दिन बाद अगर मार्केट गए लेकिन उतना अच्छे सेलिंग नहीं हुआ, और पता नहीं क्यों 3-4 दिनों के बाद मार्केट गए ना, तो आज थोड़ा हाथ पैर मेरा भी दर्द कर रहा है भाई, कंधा वगैरह सब जगह दर्द हो रहा है जोड़ों पे। तो यही था यार आज के ब्लॉग में, और अभी भाई सब चलो हाथ पैर धोते हैं और अपन जा रहे हैं खाना खाने, फिर उसके बाद करना है मेरे को वीडियो को एडिट। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा, कैसा लगा सो कमेंट जरूर करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो सामने, तब तक क्लास सभी को जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़, बाय बाय।